अच्छा हमारे साथ एक सीन हुआ है, बहुत शॉर्ट ट्रिप है, फैमिली वालों के साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं हम लोग। ये रहे हमारे भैया भाभी एंड सिद्धांत और अक्षय भाई, ये रुके हम यहाँ पे। अभी हम दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं चले हुए, जेवर टॉल के पास में हैं। ये जो बाइकर्स लोग हैं वो जानते हैं इस जगह को अच्छे से, तो बस थोड़ा कुछ खाते पीते हैं है ना, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो उसका फिर निकलते हैं हम लोग। गुप्ता हमारा पीछा यहाँ तक नहीं छोड़ रहा है, हम लोग आगरा आ चुके हैं। ये हम दिल्ली से निकले थे उससे टाइम पर हमने पैक करा लिया था, तो ये वो खा रहे हैं। ये रही हमारी पनीर टिक्का, अफगानी चाप, पंजाबी स्पेशल। अरे आए गए। हे गाइस, हम लोग अभी लखनऊ से 22 किलोमीटर पहले हैं और ये रही हमारी गाड़ी। अच्छा हमारे साथ एक सीन हुआ है कि हमने भाई फ्लो फ्लो में गाड़ी दी खींच 150 भगाई, उसके चक्कर में ना जो हमारा ETA था वो बर्बाद हो चुका है और अब पेट्रोल पंप है नहीं यार, तो पेट्रोल मतलब ये वाला पेट्रोल पंप चल नहीं रहा है। और यहाँ पे गांव में आ गए हम लोग, अब 22 किलोमीटर आगे एक पेट्रोल पंप है, तो वो देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं सोच रहा हूँ कि चल ही लेते हैं, बाकी हमने रिजर्व में बहुत ज़्यादा लंबी चला ली गाड़ी, तो 22 किलोमीटर चलाया जाए कि नहीं चलाया जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो लेट्स होप, देखते हैं। क्योंकि हम हर बार क्या करते थे, हम हर बार फ्यूल भराते थे लखनऊ में घुसते ही और हर बार पहुंच भी जाते थे। और देखो गाइस मैडक मर गया यार, सैड डेड। इसकी शांति के लिए 2 मिनट। लखनऊ में घुसते ही जो पहला पेट्रोल पंप पड़ता है HP वाला, हमने हम वहां तक पहुंच गए फाइनली। थोड़ी सी मशक्कत लगाते हुए, कुछ नहीं करा हम लोगों ने, बट यहाँ तक पहुंचा दिया हम लोगों ने। अब ये देखना है कि जब हमने दिल्ली में निकले, दिल्ली से निकले थे, तो हमने डलाया था 3000 का तेल और अब कितने का आता है ये देखना बहुत ज़रूरी है। बंदे देख रहे हो थक चुके हैं और ये प्रार्थना कर करके थक चुके हैं दोनों। जी भाई जय श्री राम, जय श्री राम। बड़े दिनों बाद आए हम यहाँ पे, बहुत साल लग गए हमें यहाँ पे आते आते। चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये है वो काशी चाट भंडार, बट अभी बंद है और आज बंद है क्या यार, ये बंद है शायद यार आज, ये अभी लेट खुलेगा, थोड़ी देर में खुले शायद, तो फिर चलेंगे और कुछ खाएंगे।
बोलो नमो पार्वती पते हर हर महादेव। तो गाइस लेट हो गए थोड़ा सा, वहाँ के लिए निकल रहे हैं और ये हमारा ग्रांड की तरह करता है। और इस बार हम लोग एंट्री गंगा घाट की तरफ से करेंगे, मतलब गंगा द्वार की तरफ से बहुत चलते हैं तो फिर दिखाएंगे अच्छे से। इस बार थोड़ा सा ना एक ही व्लॉग डालना है, मतलब थोड़ा सा यूनिक डालेंगे। ये हलवा है, रायता, घिया और ये बड़ी आलू की सब्ज़ी, दाल, परमल, मिर्ची, चटनी और वो अचार और राइस एंड रोटी। अभी भैया ला रहे हैं, क्या नाम है, पापड़ लेके आ रहे हैं। अच्छा आपको पापड़ नहीं मिला ना, वो सब बचपन थे। अभी अभी जस्ट बारिश ख़त्म हुआ है और बढ़िया, हम दिल्ली से जिस चीज़ से हम पीछे छुड़ा रहे थे वो फाइनली यहाँ जाके हुई और अच्छा लग रहा है। बनारस में डेविड पुत्रा 2000 से जी, और ये गणेश घाट का ऐसे ऊपर है। आपके पश्चिम दिशा से दिल्ली आगरा वृंदावन मथुरा जमुना नदी, और गंगा नदी उत्तर दिशा से है कानपुर हरिद्वार ऋषिकेश उत्तराखंडों के। अच्छा सरस्वती माता आदि से इधर में उन्हीं का नाम चलता है, उन्हीं के नाम से जो नारियल फल डालते हैं। संगम पॉइंट बिल्कुल बीच में जाके गए संगम के लिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है और वहाँ से यमुना जी आ रही हैं और यहाँ से हमारी गंगा जी आ रही हैं और सरस्वती जी यहीं पे हैं गुप्त तरीके से। तो यहाँ पे एक संगम बनता है और देख सकते हो भाई बहुत सारे श्रद्धालु हैं यहाँ पे, यहाँ नहाते आके संगम में स्नान करना और शुभ माना जाता है। और हम लोग सावन के टाइम पर आए हुए तो और भी अच्छा हो रहा है, मतलब बाकी हम डेली बोट करके आए और बोट का फेयर अगर बताया जाए तो हमने फुल बोट की 1200 रुपये में 50 रुपये पर हेड के हिसाब से हमने नहाने के दिए यहाँ पे। तो सब चीज़ें हैं
तरीके से। ओ वहाँ देखो भाई साहब लगे हुए सब बंदे। जय श्री राम, जय श्री राम।